हेलो एवरीवन जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं इंक्लूडिंग नोट्स एंड आल्सो इंपॉटेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट तो इस वक्त हम बात करेंगे इस वीडियो में फैमिली केयर प्लान के बारे में सो फैमिली केयर प्लान जिस तरीके से नर्सिंग केयर प्लान एन सी पी बनाना होता है आपको क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट के ऊपर पेशेंट के प्रायोरिटी के बेसिस पे उसी तरीके से आपको फैमिली केयर प्लान बनाना होता है कम्युनिटी पोस्टिंग में इन योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ठीक है तो ये सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ये असाइनमेंट आपको बनाना होता है क्यों क्योंकि आपने एक फैमिली सेलेक्ट की और वहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली uh, के जो जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की जो भी हेल्थ नीड्स हैं उन नीड्स के लिए आपने जो भी केयर प्रोवाइड की उस केयर को लेके फैमिली केयर प्लान बनाना होता है ठीक है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फैमिली केयर प्लान को बनाने का क्या बेसिक सा फॉर्मेट है और किस तरीके से हम किसी भी फैमिली को चूज करके बड़ी ही आसानी से फैमिली केयर प्लान बना सकते तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर हाउस नंबर आएगा Uh, जो भी आप हाउस सेलेक्ट कर रहे हो हाउस नंबर होगा उसका नेम ऑफ द इंफॉर्मर मींस जो भी इंफॉर्मेशन आपको uh, जो भी पर्सन उस फैमिली का जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसका नाम ठीक है देन उसकी एज उसका सेक्स हेड ऑफ़ द फैमिली का नेम जो भी फैमिली का मुखिया है उसका एंड देन एड्रेस देन टाइप ऑफ फैमिली वो फैमिली किस तरीके है न्यूक्लियर है जॉइंट है किस तरीके की है ठीक है फैमिली का साइज कैसा है तो मेम्बर्स लिखोगे आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं कास्ट क्या है उनकी एजुकेशनल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन स्टेटस आफ्टर दैट ओके आफ्टर दैट इनकम ऑफ द फैमिली ठीक है तो उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए इनकम फैमिली की फैमिली क्या मदर टंग है देन स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट डेटा मीन्स आप एज अ स्टूडेंट आपका डेटा तो यहां पे स्टूडेंट नेम हो गया ज्योति कोर्स बी एस सी नर्सिंग क्लास सेकेंड ईयर डेट ऑफ केयर स्टार्टेड कब स्टार्ट किया एंड डेट ऑफ केयर एंडेड कब आपने ये एंड किया केयर उसका डेट आफ्टर दैट फैमिली कंपोजिशन तो फैमिली कंपोजिशन में आएंगे फैमिली के मेंबर्स की डिटेल्स मींस नेम ऑफ फैमिली मेंबर हो गया फैमिली मेंबर्स जैसे यहाँ पे है कालू राम कृष्णाबाई शिवा अहिरवार हीरा अहिरवार गोलू जितेंद्र एंड खुशी ये सात लोग हैं घर में इनकी एज सेक्स इनका रिलेशनशिप क्या है विद दी हेड ऑफ़ फैमिली जैसे कि कालू राम ऑल यहाँ पे हेड हैं तो कृष्णा बाई उनकी वाइफ हो गई शिवा उनके सन हो गए तो ये रिलेशनशिप विद दी हेड ऑफ़ दी फैमिली क्या रिलेशनशिप कैरी कर रहे हैं ठीक है देन एजुकेशन स्टेटस कौन कितना पढ़ा है ऑक्यूपेशन क्या कर रहे हैं एंड हेल्थ स्टेटस ए एंड ए प्लस डी मीन्स ये अलाइव हैं ठीक है प्लस डी यानी कि डिजीज्ड हैं डिजीज मतलब इनमें कुछ प्रॉब्लम है कुछ है हेल्थ इश्यू है ठीक है तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर हीरा अहिबार मिसेस हीरा अहिबार इज़ अ हाउसवाइफ ठीक है हाउसवाइफ हैं उनके हस्बैंड क्या हैं प्राइवेट जॉब वर्कर हैं एंड हर फादर इन लॉ इज़ अ लेबर ठीक है labor, फैमिली की मंथली पर इनकम एट थाउजेंड है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं फैमिली ट्री फैमिली ट्री में तो आपको पता ही हुआ ये कीस हैं मेल फीमेल इनफॉर्मर एंड इनफॉर्मर यहाँ पे डिजीज्ड है इसलिए हमने इसको आ, बॉक्स को इस तरीके से लाइन किया हुआ है ठीक है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हीरा अहिरवार कौन थी हीरा अहिरवार डॉटर इन लॉ थी ओके सो so, यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में जो मिसिस हीरा अरवाल स्टेट्स दैट शी डेंट हैव एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बट मिसिस कृष्णा बाई इज़ हैविंग अस्थमा फ्रॉम पास्ट वन ईयर एंड मिसेज शवा शिवा हैड इन ग्वानल हरनिया सो हीरा अरवाल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि कृष्णा बाई को अस्थमा है पास्ट वन ईयर से और शिवा को इन हर्निया रह चुका है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हीरा बाई एंड हीरा बाइक का सीजेरी इन्फेक्शन हुआ है एंड टू टू डिलीवर अ गर्ल और शिवा का क्योंकि हरनीो हरनिया था तो उसकी हर्नियोप्लास्टी हुई है इन 2016 आफ्टर दैट प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस तो प्रेजेंटली किसको क्या प्रॉब्लम है वो इसमें लिखेंगे तो so, हीरा ने बताया दैट ऑल द फैमिली मेम्बर्स अभी सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को कोल्ड एंड कफ है एंड खुशी खुशी जो है उसको टाइफॉइड भी है डायरिया भी है एक पिछले एक हफ्ते से ठीक है ये हो गया आपका प्रेजेंट कंप्लेंट्स अब आता है हाउसिंग पैटर्न हाउसिंग पैटर्न में जो भी उनका घर का फ्लोर मैप है जिस तरीके से आप सिंपल uh, uh, तरीके से जैसे कि uh, क्या कहाँ कौन से कमरे पड़ते हैं कहाँ वरंडा पड़ता है कहाँ किचन पड़ता है वो सिंपल सा एक नॉलेज uh, देने के लिए वो हो गया फ्लोर मैप आफ्टर दैट हाउसिंग एन इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक है हाउसिंग एन इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ हाउस किस तरह का किस तरह का घर है तो घर में जो भी चीज़ें आती हैं एक एक करके हम उन चीज़ों को चेक करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल रूफ जो छत है घर की वो कैसी है तो यहाँ पे ऑप्शनस हैं जिस तरह की छत है उस तरह की आप आ, टिक कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे टाइल्ड टाइल्स वाली है टैरिस है या अदर में है। थर्टी है थर्स्ट है फ्लोर फ्लोर में मड का फ्लोर है मिट्टी का जो बनाते हैं ना घर गांव में टाइल्ड है सीमेंटेड है या अदर है वॉल किस तरह की है वॉल में मिट्टी है ब्रिक ईंटों से बना है सीमेंट से बना है या किसी और चीज़ से हाउसिंग पैटर्न कैसा है पक्का है सेमी पक्का है कच्चा है पोजेशन कैसा है मतलब वो घर किसका है ओन हाउस है या रेंट पे रहते हैं या लीज पे रहते हैं एरिया कितना कैसा एरिया है घर का एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है वेंटिलेशन नेचुरल है या आर्टिफिशियल है नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं डोर्स एंड विंडोज एडिक्वेट हैं या नहीं है इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं आती है मोड ऑफ लाइटिंग किस तरीके से लाइट यूज़ करते हैं ऑयल लैम्प का कैरोसिन का इलेक्ट्रिक बल्ब का किस तरीके से वाटर सप्लाई एडिकेट है या इनएडिकेट है मोड ऑफ वाटर सप्लाई कहाँ से आ रहा है पानी वेल well से पब्लिक टैप से हैंडपम्प से कहाँ से लेट्रींस वगैरह लेट्रींस सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है अगर है तो वाटर सील है या ओपन फील्ड में आना पड़ता है ड्रेन है अगर नाला है घर के आसपास तो ओपन है क्लोज है है ही नहीं स्ट्रीट लाइट है या नहीं स्ट्रीट के रोड की कंडीशन कैसी है सीमेंट्स है तार है मड है अदर्स है टाइप ऑफ फ्यूल कैसा यूज होता है वहाँ फायरवुड यूज़ होता है गैस यूज़ करते हैं कैरोसिन यूज़ करते हैं क्या देन ओपन स्पेस अराउंड द हाउस घर के आसपास जगह है या नहीं देन गार्डन है या नहीं वाटर इकट्ठा हो जाता है पानी इकट्ठा हो जाता है आसपास या नहीं डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट वेस्ट का डिस्पोज कैसे करते हैं तो ओपन स्पेस में करते हैं मैन्यल पिट करके करते हैं जला देते हैं या फिर स्ट्रीट में फेंक देते हैं या सेपरेटली सो वो बताना है देन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री अगर अवेलेबल है तो नहीं है तो अगर अवेलेबल है तो सेपरेटली रखते हैं अटैच है या मिक्स है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो पीएचसी अवेलेबल है या एस अवेलेबल सब सेंटर्स हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं अदर्स क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं मेडिकल एड अवेलेबल इन द स्ट्रीट स्ट्रीट में डॉक्टर है या नहीं है कोई वैद्य है या कुछ अदर है तो वो प्ले ग्राउंड है स्ट्रीट में या नहीं सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मार्केट पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन ये सब आसपास हैं या नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस आसपास जैसे प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल कॉलेज ये सब आसपास है या नहीं है तो क्या है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे टेम्पल चर्च मॉस्क्यू उदर्स इसमें से क्या है प्रेजेंस ऑफ रॉडेंट्स रॉडेंट्स आसपास हैं या नहीं स्ट्रेट रॉक्स गली में घूमने वाले कुत्ते तो नहीं हैं है या नहीं ठीक है प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यस और नो एंड प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स यस और नो तो ये तो ये हो गया आपका हाउसिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस अब इकोनॉमिकल स्टेटस देखेंगे सो इकोनॉमिकल स्टेटस के अंदर आएगा इनकम कितनी है पर मंथ सोर्स ऑफ इनकम क्या है नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स घर में कमाने वाले कितने हैं कितना खर्चा हो जाता है पर मंथ रेंट कितना देना पड़ता है फूड में कितना देना पड़ता है हेल्थ के लिए कितना जाता है स्कूल के लिए कितना जाता है अदर्स थिंग्स में कितना जाता है प्रॉपर्टी में कितना जाता है देन ट्रांसपोर्टेशन किससे करते हो बस से करते हो तो उसमें आ, लिखना है कि किस तरह की बस यूज़ करते हो ऑटो रिक्शा फोर व्हीलर्स ट्रेन एयरवे ये लोग नहीं यूज़ करते तो उन्होंने नो लिखा है देन कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन के लिए क्या मीडियम यूज़ करते हो फेस टू फेस करते हैं कम्युनिकेशन इसलिए उन्होंने यहाँ उसके आगे यस लिख दिया है और मोबाइल यूज़ करते हैं इसलिए उसके आगे यस है टेलीफोन लेटर्स इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं पर्सनल हॉबीज में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नो रिक्रिएशनल एक्टिविटी वाओ स्ट्रेंज देन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फैमिली फैमिली का न्यूट्रिशनल स्टेटस में डाइट्री पैटर्न में वो वेज है नॉन वेज या ओ वेजिटेरियन मीन्स एगिटेरियंस हैं देन फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन वेजिटेरियन वंस इन अ वीक लेते हैं हफ्ते में एक बार नॉन वेज खाते हैं देन नंबर ऑफ मील्स दिन में तीन बार लेते हैं कुकिंग मैथड बॉइलिंग स्टीमिंग फ्राइंग बेकिंग से करते हैं स्टेपल फूड लेते हैं खाते हैं ठीक है सोसेस ऑफ फूड आइटम्स जनरली मार्केट से आता है रेफ्रिजरेटर uh, में रखा जाता है स्टोरेज कहाँ होती है एंड यूजेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड आइटम प्रोसेस्ड फूड आइटम का यूज़ होता है या नहीं तो होता है आफ्टर दैट मैन्यू प्लान मैन्यू प्लान के अंदर आएगा आपका तो मैन्यू प्लान समझाने के लिए उन्होंने एक टेबल के थ्रू समझाया है जैसे कि आप कितने नंबर ऑफ़ मील्स लेते हो दिन में दिन में आप ब्रेकफास्ट करते हो फिर मिड मॉर्निंग में करते हो फिर लंच में करते हो फिर इवनिंग में करते हो फिर डिनर में करते हो तो इस तरीके से टोटल फाइव मील्स में ब्रेक किया इन्होंने तो आप कितने मील्स लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है यहाँ पर टाइप ऑफ फूड क्या लेते हो उस वक्त कितना अमाउंट में लेते हो और उससे कितनी कैलोरीज मिलती हैं आफ्टर दैट अमाउंट अलॉटेड फॉर न्यूट्रिशन कितने कितने ग्राम्स न्यूट्रिशन ले लेते हो यूज़ ऑफ़ वेजिटेबल्स फ्रिक्वेंटली होता है यहाँ पे तो अच्छी बात है सीजनल वेजिटेबल्स खाते हो अच्छी बात है फ्रूट्स भी सीजनल फ्रूट्स खाते हैं ये लोग सीरियल्स पल्सेस नट्स डेली खाते हैं तो so, अभी ये हो गया आपका मेन्यू डाइटरी सारा डायट्री तो ये हो गया सारा न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फैमिली आफ्टर दैट बेनिफिशरी डेटा सो बेनिफिशियरी डेटा में नेम ऑफ बेनिफिशरी किसको आप हेल्थ एजुकेशन देने वाले हो देन उनका एज देन उनका सेक्स तो यहाँ पे मिसेज हीरा अरवाल को देंगे और वो ट्वेंटी सेवन ईयर्स की हैं आफ्टर दैट प्लान फॉर होम विजिट सो प्लानिंग क्यों की हमने होम विजिट की वो बताना है यहाँ पे तो so, यहाँ पे नेम ऑफ बेनिफिशरी कौन है किस डेट को आपने होम विजिट की क्यों की क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जैसे कि इनको डायरिया है कॉमन फ्लू है टाइफॉइड है प्रिवेंशन के लिए ब्रैट ठीक है एंड हाइजीन प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म गोल में क्या है इंक्रीज फ्लूड इंटेक फ्लूड इंटेक बढ़ाना है हाइजीन लेवल का ध्यान रखना है एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ स्टेटस सो यहाँ पर ब्रैट ब्रैट इज नथिंग बट अ डाइट अ स्पेशल काइंड ऑफ डाइट जिसमें बी स्टैंड फॉर बनाना आर से राइस होता है ए से एप्पल एंड टी से टोस्ट तो so, ये एक तरीके स्पेशल डाइट है जो कि इस अपसेट स्टमक में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हेल्प करती है राइट आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा जैसे हम नर्सिंग केयर प्लान में बनाते हैं उसी तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन की सारी इंपॉर्टेंट uh, हेडिंग्स जैसे जनरल अपीयरेंस में आप देखोगे नरिशमेंट बॉडी बिल्ड कैसा है हेल्थ एंड एक्टिविटी सो बॉडी वेट अप्रोप्रिएट होना चाहिए अप्रोप्रियट है इनका हाइट हाइट के अकॉर्डिंग सो बॉडी बिल्ड हेल्थ कैसी है अनहेल्दी है सीजनल फ्लू है एंड कफिंग है एक्टिविटी हैविंग फटीक एंड वीकनेस मेंटल स्टेटस कॉन्शियस ओरिएटेड है टू प्लेस टाइम एंड डेट लुक्स नीड हैं वेल ग्रूम्ड है वाइटल well साइंस में जो भी आपने रिकॉर्ड किए टेम्परेचर पर्स प्रेस्परेशन बीपी वो एंड देन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जिसके अंदर हाइट आएगी वेट आएगा चेस्ट सर्कम्फ्रेंस मिडाम सर्कम्फ्रेंस बॉडी बी एम आई स्किन कंडीशंस स्किन कंडीशंस के अंदर कलर टेक्स्चर लीजेंस एनी काइंड ऑफ और सेंसेशन दैन हेड एंड फेस हेड एंड फेस में हम क्या देखेंगे स्कैल्प कैसा है स्कैल uh, पर किसी तरह का लीजन किसी तरह की डैंड्रफ ये सब अवेलेबल तो नहीं है फेस कलर ऑफ हेयर आइस में आईब्रोज देखेंगे सिमेट्री हो जाएगी आईब्रोज की आई लैश आईलेट्स आई बॉल्स लेंसेस विजन नोज में एक्सटर्नल नोज नॉस्ट्रल्स नेजल सेप्टम डेविएशन तो नहीं है साइनसिस में किसी तरह का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं चल रहा है ठीक है ईयर्स ईयर्स में एक्सटर्नल ईयर टम्पैनिक मेमिन हीरिंगविटी एंड देन माउथ में लिप्स ऑडोर टीथ टंग एंड स्पीच में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ये सारा देख लिया आफ्टर दैट नैक नेक में थारॉयड ग्लैंड एंड लिम्फ नोड इलाजमेंट चेक करेंगे थ्रू इंस्पेक्शन एंड पालपेश यहाँ पर किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिली है इसलिए सब में नो 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 लिखा हुआ है ठीक है देन चेस्ट में इंस्पेक्शन पाल्पेशन प्रकर्शन ऑस्कल्टेशन किया तो यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिला है देन एपडोवन में भी इंस्पेक्शन पालपेशन ऑस्कल्टेशन प्रकर्शन किया तो सब कुछ ठीक है नो लीजन नो हर्निएशन नॉर्मल फाइंडिंग हाई पिच गर्गलिंग पैरस्टाइल्टिक मूवमेंट्स प्रेजेंट जैन डेलिया क्लाइंट ने रिफ्यूज़ कर दिया क्लाइंट को नहीं कराना है एग्जामिनेशन ठीक है बैक में वर्टिबल कॉलम इंप्रेशंस देखेंगे तो नो एबनॉर्मल पॉस्चरिंग किसी भी तरह की पॉस्चरिंग एबनॉमलिटी नहीं है फॉर एग्जाम्पल स्कॉलियोसिस लॉर्डोसिस काइफोसिस ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सट्रीमिटीज चेक करेंगे सो so, इफ एनी इलनेस स्पेसिफाई करेंगे तो so, यहाँ पर इनको कफिंग एंड कॉमन कोल्ड है तो वो स्पेसीफाई कर दिया है आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस तो नर्सिंग डायग्नोसिस की लिस्ट आ जाएगी जो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम हो रखा है क्यों क्योंकि उन्हें डायरिया हो रखा है तो डायरिया की वजह से लॉस ऑफ फ्लूड हुआ है और लॉस ऑफ फ्लूड की वजह से वो फ्लूड वॉल्यूम की डैफिशियसी हो गई है देन इम्पेयर्ड पेरेंटिंग ड्यू टू द रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड हेल्थ देन डिस्टर्ब थाट प्रोसेस रिलेटेड टू इन एडुकेट इनटेक एंड हेल्थ इश्यूज़ आफ्टर दैट जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस हैं उसके हम केयर प्लान बनाएंगे एज यूजल जैसा कि हम लोगों को आता ही होगा सबसे पहले असेसमेंट डायग्नोसिस देन गोल्स क्या सेट किए आपने उनके लिए क्या इंटरवेंशन लिए इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट कर दिया उनका रैशनल है एंड देन इवेल्युएशन तो यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा लेंगे एंड देन ऑब्जेक्टिव डेटा सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट आपको बताएगा ठीक है ऑब्जेक्टिव डेटा जो आप ऑब्जर्व करोगे तो so, पेशेंट के वर्बलाइजेशन से पता चला है इन्हें अप्रोपरियट इंफॉमेशन है उसको बीमारी को लेके एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दी डायरिया आपने ऑब्जर्व किया सो नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू सम लॉस ऑफ फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट मैनिफेस्टेड बाई डायरिया यहाँ पे आपने क्या किया गोल सेट किया है आफ्टर फोर आवर्स ऑफ इंटरवेंशन क्लाइंट का जो फ्लूड लॉस हुआ है वो मैनेज हो जाना चाहिए और रिड्यूस हो जाना चाहिए इंटरवेंशन Inter इसके लिए क्या क्या लिए असेस वाइटल साइंस असेस किए फिजिकल साइंस असेस किए फ्लूड लॉस किए इंक्रेज़ किया फ्लूड इनटेक को एंड मैंटेन किया बैड रेस्ट इसी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया रैशनली एंड देखिए एवेल्युशन में लिखना होता है कि आपको क्या मिला तो क्लाइंट इंक्रीज किया है उसने फ्लूड इनटेक अप टू टू लीटर या टू पॉइंट फाइव लीटर पर डे इनटेक उसका इंक्रीज़ हुआ है दैट्स गुड आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका डायग्नोसिस आ जाएगा तो so, नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या था इम्पेयर्ड पेरेंटिंग तो उसके ऊपर बनाना है सब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा एंड उसके बाद उसके लिए जो भी इंटरवेंशन लिए रैशनली इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएशन ठीक है आफ्टर दैट हेल्थ एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन तो यहाँ पर डायरिया से रिलेटेड कफ सॉरी कॉमन कोल्ड एंड कफ पूरी फैमिली को रहा है तो उससे रिलेटेड डायरिया से रिलेटेड ठीक थी, है सबसे पहले स्नीज करते वक्त कवर करना है माउथ को हैंड वॉशिंग ज़रूरी है बिफोर एंड आफ्टर वर्क ठीक है वेल प्रिपेयर फूड होना चाहिए वॉश करना है किसी भी रॉ फ्रूट को प्रॉपरली तभी खाना है ओ आर एस लेना है मिल्क को बॉयल करके पीना है बॉटल फॉर फाइव टू अगर बॉटल से पी रहे हो तो बॉटल को भी बॉयल करना है फॉर फाइव टू सेवन मिनट्स ठीक है नर्सेस रिपोर्ट नर्सेस रिपोर्ट में आ जाएगा डेट ठीक है किस डेट पे आपने हेल्थ एजुकेशन दी नेम ऑफ बेनिफिशरी किसको मिली किसको एडवांटेज मिला इस चीज़ का एज सेक्स प्रॉब्लम्स क्या थी उनको कौन सा प्रोसीजर किया आपने उनके वाइटल साइंस चेक किया वेट चेक किया डेली इनटेक चेक किया रिमार्क्स उनका आपने रिमार्क्स में जो भी वेट आया जो भी बीपी आया एंड देन सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट ठीक है उसके बाद आएगा कॉन्क्लूजन और कॉन्क्लूजन के साथ ही असाइनमेंट यहां पे खत्म हो जाता है ये था आपका ये था आपका फैमिली केयर प्लान so, इस तरीके से ये फैमिली केयर प्लान यहाँ पे एंड होता है और इसको आप ए फोर पर भी बना सकते हो और अगर आपके ट्यूटर्स uh, ने आपके कॉलेज ने किसी तरह की मैनुअल रिकमेंड की है तो उसमें भी बना सकते हो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैनुअल के अंदर है तो काफ़ी इजी पड़ जाता है ऑलरेडी हेडिंग्स दे रखी होती तो है बस टिक टिक लगाना होता है तो इस तरीके के और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं उन लिंक्स के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे सारे पी मिलेंगे और हर एक इम्पॉर्टेंट मटीरियल uh, मिलेगा जो कि आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक हेल्प करेगा इवन एम एंड आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा और इसके अलावा इस चैनल पर आपको टाइम टाइम पर हम लोग क्वेश्चन नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहते हैं सो स्टे कनेक्टेड विद अस थैंक यू एंड हैव अ गुड डे